चलिए आज अरवी की सूखी वाली सब्जी बनाते हैं। और इसे बनाना बहुत आसान है और खाने में इतना ज़्यादा टेस्टी लगता है, दाल चावल के साथ या फिर रोटी और पराठे के साथ भी इसको आप खाएंगे तो बहुत ही मज़े की लगती है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें झटपट पे बन जाती है, कम तेल कम मसाले में बनने वाली ये रेसिपी है। तो नमस्कार, मैं अंकिता और आप सबका स्वागत है आपके अपने मस्ती भरी दुनिया फूड चैनल में। तो यहाँ मैंने अरवी को ना फिर से एक एक्सपर्ट से कटवा लिया था, क्योंकि मेरे हाथों में ना अरवी से खुजली होने लगती है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको धो के अच्छी तरीके से साफ़ कर लेंगे। यहाँ मैंने तेल गरम कर लिया धुआंधार, उसमें हम डाल देंगे अरवी को। तो एक्सपर्ट ने एक गलती कर दी थी कि अरवी को पानी में डाल के ही काटने के बाद छोड़ दिया था, तो इस वजह से थोड़ा सा लसलसा हो गया था। तो इसको भी, जो लसलसापन इसका है, उसको दूर करने के लिए इसमें थोड़ी सी हल्दी डाल दीजिए। उसके बाद क्या होगा ना कि जो लसलसापन है वो एकदम से ख़त्म हो जाएगा। पूरी की पूरी सब्ज़ी बना लोगे आप, ग्रेवी वाली सब्ज़ी भी बनाओगे तो भी कोई लसलसापन इसमें नहीं रहेगा। तो देखिए, मैंने थोड़ी सी इसमें हल्दी डाल दी और इसको अच्छी तरीके से हम फ्राई कर लेंगे। ये जो सब्ज़ी है बहुत मज़े की लगती है, बहुत मज़े की लगती है। तो मैं तो अक्सर करके अरवी की ये वाली सब्ज़ी ज़रूर बनाती हूँ, खाने में बिल्कुल मुझे खुजली नहीं होती है। तो देखिए, इसको अच्छी तरीके से फ्राई कर लिया है हमने इस तरीके से। आपसे छोटी सी निवेदन है, अगर आप लोग हमारी वीडियो में नए हैं तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके प्लीज़ 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 मुझे सपोर्ट करिए। तो यहाँ मैंने क्या किया, अरवी को अच्छी तरीके से फ्राई कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे लहसुन, मिर्च और अदरक का यहाँ पर मैंने पेस्ट बना लिया है। तो ये 2 चम्मच के करीब में ये पेस्ट है, तो इसको हम डाल देंगे। 2 छोटे चम्मच का ये पेस्ट है, तो इसको डालने के बाद हम इसको थोड़ा सा भुनेंगे, मतलब बस 1 मिनट तक इसकी भुनाई करेंगे। इसके बाद हमको डालना है यहाँ पे, आप टमाटर को कट करके भी डाल सकते हो, पर हमने यहाँ पे टमाटर को पेस्ट बनाकर डाला है। इससे थोड़ा सा जो है हमारी सूखी सब्जी चटपटी भी बनेगी और जो थोड़ी सी मसाले जब कोट हो जाएंगे उसके ऊपर तो ज़्यादा टेस्टी लगेगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पे टमाटर को जो है प्यूरी बना के डाला है। तो यहाँ पे मैंने एक टमाटर को, बड़े साइज़ का टमाटर था, उसको हमने प्यूरी बना के डाला है, क्योंकि भाई साहब टमाटर बड़े महंगे हो रखे हैं, तो इसलिए मैंने टमाटर का इस्तेमाल कम किया है यहाँ पे। तो यहाँ टमाटर डालने के बाद भी हम इसको थोड़ा सा 1 से 1.5 मिनट तक कुक करेंगे, उसके बाद हम इसमें मसाले डाल देंगे। मसालों के साथ हम क्या करेंगे, अरवी को पकाएंगे। और पानी हमने यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं ऐड करना है। ये जो टमाटर की प्यूरी हमने बना कर रखी थी, बनाई है, उसी के पानी से जो ये हमारा जो सब्ज़ी है वो अच्छी तरीके से कुक हो जाएगा। तो यहाँ मैंने 1/2 छोटी चम्मच जीरा पाउडर डाल दिया, 1 चम्मच के करीब में धनिया पाउडर डाल दिया, 1/2 छोटी चम्मच कश्मीरी वाली लाल मिर्च ऐड की हमने, और 1/2 छोटी चम्मच की हमने यहाँ पे गरम मसाला ऐड कर दिया है। कसूरी मेथी को हम यहाँ पे क्रश करके डाल देंगे और यहाँ पे इसको क्या करेंगे, अच्छी तरीके से चला देंगे हम। मसाले अच्छी तरीके से एक दूसरे में मिक्स हो जाए, बहुत मसाले ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने यहाँ पे प्याज वगैरह का भी इस्तेमाल नहीं किया है। अब अगर प्याज का इस्तेमाल करना चाहते हो तो जब आपने अरवी को फ्राई किया ना, तो फ्राई करके निकाल दो, उसके बाद आप प्याज का तड़का लगा के और फिर सारे प्रोसेस कर सकते हो। टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम अब नमक डाल देंगे। नमक डालने के बाद हम क्या करेंगे, इसको अच्छी तरीके से चलाएंगे और इसको पकाएंगे। तो क्या करना है, आपको चलाना है और इसको ढक ढक के ना आपको पकाना है, ताकि अरवी जो है आपकी अच्छी तरीके से गल जाए। अरवी बहुत जल्दी गल जाती है, तो इसको क्या करना है, आपको बस इसको मीडियम फ्लेम पे आपको इसको पकाना है। ये देखिए, बहुत ही देखने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहा है और खाने में तो ये बहुत ही मज़ेदार लगेगा। अब इसको अच्छी तरीके से हमको कुरकुरा होने तक इसको फ्राई करना है, और जब तक कि हमारी अरवी अच्छी तरीके से पक ना जाए। पानी इसमें आप बिल्कुल भी ऐड ना करें, मीडियम फ्लेम पे इसको पकाएं, ताकि जो टमाटर का जो पानी था उसी से ये जो है हमारी अरवी अच्छी तरीके से गल जाएगी। अब हम इसमें क्या करते हैं, थोड़ी सी धनिया की पत्ती डाल देते हैं और उसके बाद इसको हम 2 मिनट तक और पकाएंगे, और फिर हम देखेंगे कि अरवी हमारी पकी है या नहीं। तो मैंने ढक ढक के इसको पकाया था और थोड़ी थोड़ी देर पे हम इसको चलाते रहेंगे, ताकि अरवी जो है हमारी अच्छी तरीके से पक जाए। एक बार इस सब्ज़ी को आप बनाकर खाओगे ना, तो सच बता रही हूँ कि हफ्ते में 2 से 3 बार आप अरवी की सब्ज़ी बनाकर ज़रूर से खाओगे। और ये सीज़न चल रहा है अरवी का, तो इस टाइम अरवी बहुत ज़्यादा मार्केट में मिल रही है, तो हमारे घर में अरवी आती ही आती है। तो हर बार वही ग्रेवी वाली सब्ज़ी बनाकर हम भी खा के थोड़ा बोर से हो गए हैं, तो क्यों ना आज सोचा कि कुछ अलग तरीके से अरवी को बनाई जाए। तो अरवी को हमने कट करके देखा, हमारी अरवी अच्छी तरीके से एकदम पक चुकी है। थोड़ा सा इसको हम और कुरकुरा करेंगे, मतलब 1 मिनट तक मैं और इसको और पकाऊंगी, क्योंकि नीचे से बिल्कुल पकड़ना नहीं चाहिए आपको, इस तरीके से ध्यान देना है आपको। तो अरवी देखिए, हम मैं कट करके एक बार और आपको दिखाती हूँ। देखिए, अरवी हमारी बहुत अच्छी तरीके से कुक हो चुकी है। तो अब हम अरवी की सब्ज़ी एकदम हमारी बन के तैयार हो गई है खाने के लिए। तो दाल चावल के साथ इसको मज़े से इंजॉय करिए। और आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए, और प्लीज़ 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 एक छोटा सा लाइक, प्यारा सा कमेंट और एक सब्सक्राइब करने में आपको कुछ नहीं जाता, बल्कि हमें जो है थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है कि हम कुछ और अच्छा करें। तो ये देखिए, हमारी जो अरवी की सब्ज़ी बनकर तैयार हो गई है। तो इस तरीके से अरवी की सब्ज़ी बनाएं, खाएं और सबको खिलाएं, बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है। आप एक बार इस तरीके से बना कर तो देखिए,
क्या होता है अक्सर ना, हम ग्रेवी वाली सब्ज़ी फटाक से बना लेते हैं और फिर उसको खा लेते हैं, पर एक बार इस तरीके से जब आप अरवी बनाएंगे तो सच बता रही हूँ मैं, बहुत पसंद आएगी आपको। तो ये देखिए हमारी अरवी की सब्ज़ी बनकर तैयार हो गई है। तो मैं तो इसे गर्मा गर्म रोटी के साथ खाने वाली हूँ। आप इसे किस चीज़ के साथ खाना पसंद करेंगे वो भी मुझे कमेंट करके बताइए। तो ये मज़ेदार सी हमारी सब्ज़ी बनकर तैयार है। तो मैं तो चलिए इसको खाने, आप लाइक शेयर सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा।